नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात कर लेते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। आर्थिक सफलता के स्विस मॉडल से लें सबक। वामपंथी झुकाव वाले कई विद्वान कहते हैं कि उनका आर्थिक पैराडाइज का विजन वाम तानाशाही वाले वेनेजुएला पर आधारित नहीं है, बल्कि यह स्कैंडिनेविया से पीड़ित है जो अमेरिका के समान ही संपन्न और लोकतांत्रिक होने के साथ ही अधिक समानता वाला सस्ती स्वास्थ्य सुविधा और सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। लेकिन एक देश और है जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के चारों देशों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड से कहीं अधिक अमीर और इनके समान ही समतावादी भी है। वह 700 अरब डॉलर यानी कि करीब 49,000 अरब रुपए है की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। निरंतर ग्रोथ की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में वह नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर है। उसकी प्रति व्यक्ति आय 82,000 डॉलर यानी कि 58.62 लाख रुपये है। वह दुनिया के सबसे खुश देशों में भी शामिल है और वह स्कैंडिनेविया के समान ही व्यापक रूप से कल्याणकारी लाभ देता है। वहाँ छोटी सरकार, अधिक खुली और स्थायी अर्थव्यवस्था है। इस कम समाजवादी और अधिक सफल आदर्श लोक का नाम है स्विट्जरलैंड। हाल ही के दशकों में स्विट्जरलैंड ने स्कैंडिनेविया के मुकाबले अपनी आर्थिक बढ़त को बहुत अधिक और असमानता के अंतर को बहुत कम कर लिया है। आज स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेविया दोनों में मध्यम वर्ग के पास 70% संपत्ति है, लेकिन बड़ा अंतर यह है कि एक स्विस परिवार के पास औसत 5,40,000 डॉलर यानी कि 3.86 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो स्कैंडिनेविया की तुलना में दुगना है। एक टैक्स हेवन की पुरानी और मामूली दागदार छवि की वजह से अधिकतर विद्वान स्विट्जरलैंड को मॉडल के रूप में नज़रअंदाज करते हैं। 2015 में दबाव में आकर स्विट्जरलैंड ने विभिन्न देशों के टैक्स प्राधिकरणों के साथ बैंक में जमा धन की जानकारी को साझा करने पर सहमति दी, लेकिन इसने अर्थव्यवस्था को जरा भी धीमा नहीं किया। स्विट्जरलैंड हमेशा से ही एक गुप्त बैंक से अधिक कुछ और रहा है। पूंजीवादी इसका कोर है। स्विट्जरलैंड में अधिकतम व्यक्ति टैक्स 36% है, जो यूरोप में सबसे कम है। सरकारी व्यय कुल GDP का 1/3 है, जो स्कैंडिनेविया की तुलना में आधा है। 7 स्विस लोगों में केवल एक ही सरकारी नौकरी करता है, यह भी स्कैंडिनेविया के औसत का आधा है। स्विट्जरलैंड व्यापार के लिए अधिक खुला और इसका निर्यात किसी भी स्कैंडिनेविया देश की तुलना में दुगना है। एक सुगठित सरकार, खुली सीमाओं ने इस पहाड़ी देश को बायोटेक से लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र की कंपनियों का हक बना दिया। यूरोप की 100 टॉप कंपनियों में से 13 यहाँ की हैं। यह संख्या चारों स्कैंडिनेविया देशों को मिलाकर भी दुगनी है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े शहरों तक ही केंद्रित हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ऐसी ही है कि विकेंद्रीकृत है, जैसा कि राजनीतिक सिस्टम है। हाल ही में मैं जब च्यूरिक से जिनेवा की ओर गया तो देखा कि कितनी ही दुनिया भर में निर्यात होने वाली चीज़ों का उद्गम यहाँ के राज्यों से है। स्विस आर्मी नाइव स्विज से स्विस घड़ियां वर्ण से और सेंट वर्नार्ड पपी वलाइस से संबंध रखते हैं। हाल ही के वर्षों में स्विस मुद्रा फैंग तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से निर्यात में कोई कमी नहीं आई। स्विट्जरलैंड दुनिया के कुछ अमीर देशों में शामिल है, जिसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
यह है कि स्विस उत्पादों की उत्कृष्टता की ग्राहक अधिक दाम देने को भी तैयार रहता है। यही मांग बताती है कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर क्यों है। स्विट्जरलैंड ने 1970 से कभी भी घरेलू मंदी का सामना नहीं किया, जबकि स्कैंडिनेविया देश 1990 में इसका सामना कर चुके। 2008 के वैश्विक संकट के समय भी स्कैंडिनेविया देश स्विट्जरलैंड की तुलना में ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अगर कोई मुश्किल दिखती है तो वह फैंग की बढ़त को धीमा करने की कोशिश। स्विट्जरलैंड ने ब्याज दरों को बहुत कम कर दिया, इससे वहाँ पर कर्ज लेने में इतनी तेज़ी आ गई कि कॉरपोरेट और घरेलू कर्ज कुल जीडीपी का 250% हो गया, और यह खतरनाक है। दुनिया के लिए स्विट्जरलैंड का आकर्षण बहुत अधिक है। स्विस आबादी में जर्मन, फ्रेंच, इतालवी बोलने वाले बहुभाषी लोग शामिल हैं। इनमें कई लोग तो कई भाषाएं भी जानते हैं। एक सदी से यहाँ पर विदेशों में पैदा हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है। किसी भी स्कैंडिनेविया देश की तुलना में स्विट्जरलैंड 1950 से ही अधिक प्रवासी को जगह दे रहा है। यह 2015 से 2020 के बीच कुल 2,60,000 प्रवासियों को स्वीकार करेगा, जिससे यहाँ की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हो जाएगी। स्विस कर्मचारियों को यहाँ से के मेरिट आधारित पब्लिक स्कूल सिस्टम से बहुत मदद मिलती है। ये 12 साल की उम्र से ही बच्चों को तराशने लगते हैं। यहाँ के विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में औसत सालाना फीस सिर्फ $1,000 है, जो स्कैंडिनेविया देशों से कम है। स्कैंडिनेविया समाजवाद के समर्थक स्वीडन जैसे देशों में होने वाले बदलाव को नज़रअंदाज कर देते। जब भारी सरकारी खर्च की वजह से 1990 का आर्थिक संकट सामने आया, तो स्वीडन को आयकर की अधिकतम सीमा को 90% से घटाकर 50% करना पड़ा था। उसकी ग्रोथ लौट आई थी क्योंकि उसने बहुत कुछ स्विट्जरलैंड की तरह करना शुरू कर दिया था। इस एक सुगठित सरकार और व्यापार को बढ़ने के लिए अधिक मौके देने से फायदा हुआ। स्विट्जरलैंड की सफलता का वास्तविक सबक यह है कि निजी एंटरप्राइजेज व सामाजिक कल्याण में से किसी एक को चुनने का जो प्रस्ताव कई राजनेता देते हैं वह गलत है। एक व्यवहारिक देश में सामाजिक समानता के साथ ही बिजनेस फ्रेंडली माहौल भी हो सकता है। ज़रूरत सही संतुलन की है। स्विट्जरलैंड इसी सही संतुलन की वजह से दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया, और सरसरी नज़र से यह दिख रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल स्विट्जरलैंड से संबंधित।